हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ गणित में आज हम चैप्टर आठ, इसका नाम है चतुर्भुज, इसका अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न, किसी चतुर्भुज के चार कोणों का योगफल चार समकोण के बराबर होता है, या कहना चाहिए कि 360 डिग्री के बराबर होता है। चित्र में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। देखिए, पी क्यू आर और एस चार बिंदुओं से निर्मित जो आकृति होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। इसके चार कोण हैं, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस होता है। पी आर रेखा चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट रही है। जब हम पी से लेके आर तक एक रेखा खींचेंगे तो ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभक्त होगा। इसका नाम दे देते हैं एक और दो। अब पहला देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए इसको एक अच्छे से चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए ये पी एस पी क्यू क्यू आर और आर एस, इसका नाम है पी क्यू आर एस। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, अब ये वाला त्रिभुज लिया है हमने पी क्यू आर, कोण एक और दो। पी के लिए आपको नाम बताया था एक, क्यू के लिए था दो और आर के लिए था तीन। ठीक है, तो त्रिकोण एक दो और तीन का योग 180 अंश होता है, क्योंकि आपको एक बार समझाया था बच्चों कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 अंश होता है, तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। आप दूसरा त्रिभुज लेंगे एवं पी एस आर में, ठीक, तो पी जो है नामांकित है कोण चार के रूप में, आर पांच और एस के लिए छह है। ठीक है, तो पी एस आर में कोण चार पांच और छह तीन जो है कोणों का योग क्या होगा 180 अंश होगा। ये समीकरण एक इसको दे दिया हमने ना, इसको दो दे दिया। ठीक, अब समीकरण एक और दो से देखिए, एक और दो से दोनों को पक्षों को जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ने पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा कोण एक धन दो धन कोण तीन धन कोण चार धन कोण पांच धन कोण छह, और ये 180 और 180 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 360, तो ये 360 होगा। अब कोण एक और चार प्लस कोण दो और तीन और पांच धन कोण छह, कोण एक और चार जो है वो उसको कोण पी दिया है नाम, और क्यू आर और एस बराबर 4 × 90 अंश, क्योंकि 360 है ये, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 × 90 जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। ठीक, तो पी क्यू आर एस बराबर है 4 समकोण, क्योंकि 90 अंश को कहते हैं समकोण। ठीक है, ये अतः चतुर्भुज के चार कोण का योगफल 4 समकोण के बराबर होता है, हमें यही सिद्ध करना था। चलिए एक इंपॉर्टेंट सवाल हल करेंगे। एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। माना कोण 3x डिग्री, 5x डिग्री, 9x डिग्री और 13x डिग्री है। चारों कोणों का योगफल होता है 360, अभी हमने सिद्ध किया था, तो चारों कोणों को लिख के 360 लिखेंगे। अब 3, 5, 9 और 13 को जोड़ेंगे, 3, 9 और 13 ये आ जाएगा 30। ठीक, 30x बराबर है 360, इसलिए अतः x बराबर होगा 360/30, तो 0 से 0 कैंसिल होगा तो आएगा 36/3, 3 और 36। देखिए
तीन को जब 36 से भागित करेंगे तो क्या आएगा 12। अब पहला कोण लिया था 3x, ठीक है, तो 3 × x, x की वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू थी 12, ठीक है, तो 3 × 12 का गुणा करेंगे तो क्या क्या बनेगा 36 डिग्री। फिर अब दूसरा कोण लेंगे 5x, x की वैल्यू 12 रखेंगे तो 5 × 12 करेंगे, गुणा करेंगे तो 60 डिग्री। तीसरा कोण 9 × 12 करेंगे तो 108 डिग्री गुणा करने पर। चौथा कोण भी लेंगे तो 13 × 12 156। तो ये चारों कोणों के मान ज्ञात हो गए। चार कोण 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री हैं। अब बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि जो है इसी के सिमिलर कोई चार कोण ले लीजिएगा। कौन कौन से कोण ले लीजिएगा? 4, 6, 8 और 15 के अनुपात में है इस चतुर्भुज के सभी कोण याद कीजिए। ये होमवर्क है, आप इसको इसी विधि से हल करके नोटबुक में लिखेंगी और हल करेंगी, और आपको गुणा का जो है वो टेबल भी याद रहनी चाहिए, तब आप उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।